नमस्कार, आप जोई रहा छो लोकसत्ता जनसत्ता। राष्ट्रीय शिक्षण नीति नु अमलीकरण 2020 मा करवामां आव्यु हतु, जेना 3 वर्ष पूर्ण थई रह्या छे। त्यारे वडोदरा स्थित केन्द्रीय विद्यालय खाते पत्रकार परिषद योजवामां आवी हती अने तेनाथी शिक्षणमां आवेल फेरफार विशेनी माहिती आपवामां आवी हती। वात करीए मामले तो राष्ट्रीय शिक्षण नीति नु अमलीकरण भारतनी घणी शाळा तेमज कॉलेजोमां करवामां आवी रह्युं छे। त्यारे नवी शिक्षण नीतिना अमलीकरणनी 3 वर्षनी सफळता अने शिक्षामां थयेल फेरफारनी माहिती पत्रकार परिषदमां आपवामां आवी हती। केन्द्रीय विद्यालयना प्रिंसिपल सुनीता दिवाकर, जवाहर नवोदय विद्यालयना प्रिंसिपल एस के डामोर सहित केन्द्रीय विद्यालय नंबर 1ना प्रिंसिपल एल आर ठाकरन उपस्थित रह्या हता। अहीं तेमना द्वारा राष्ट्रीय शिक्षण नीतिना अमलीकरणथी बाळकोनी शिक्षामां थयेल फेरफार विशे जाणकारी आपवामां आवी। नवी नीति भारतने एक वाइब्रंट नॉलेज सोसायटी अने वैश्विक ज्ञान महासत्तामां रूपांतरित करवा माटे जरूरी छे, जे बाळकोने मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षण पूरू पाडशे। आ कार्यक्रमनो उद्देश કે ભારતમાં દરેક બાળકને 2026-27 સુધીમાં ગ્રેડ 3ના અંત સુધીમાં પાયાની સાક્ષરતા અને સંખ્યા મળે। સબસે બડા ફરક યે આયા હૈ કે બચ્ચે જો હૈ અભી રોટ લર્નિંગ સે શિફ્ટ હુએ હૈ ટુવર્ડ્સ કોમ્પિટન્સી બેસ્ડ એજ્યુકેશન પે। ઉસમે બચ્ચો કો અભી એસા એગ્ઝામ કે અંદર એસે ક્વેશ્ચન્સ નહીં આયેંગે કે આપ ઇસ ચીજ કો યાદ કરેં ઓર ઉસકો જાકર કે વહાં પર લિખ કર કે આ જાયે। વહાં પે બચ્ચો કો કુછ એસા કેસ સ્ટડી ટાઈપ ક્વેશ્ચન્સ દિયા જાયેગા, जिसके बच्चे को डाटा इंटरप्रेट करना होगा, अपने उसको एनालिसिस करनी होगी, अपने इन्फ्लुएंशियल अपने उनको डाटा को एनालाइज करके कंक्लूड करना होगा एंड देन उसको आंसर करना होगा उस बच्चे। हाँ, बच्चों के इसमें ये फर्क आया कि बच्चे अभी बिल्कुल एक तो इसको इंजॉय कर रहे हैं, ज़्यादातर टॉय बेस्ड टीचिंग हो रहा है, प्ले बेस्ड टीचिंग हो रहा है, बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो उनको अभी ये नहीं है कि हम बुक खोल करके याद करें, उनको ये है कि हम लोग बाहर जाकर के खेल के मैदान में या फिर अपने कहीं किसी एक्सकर्जन में जाकर के वहाँ से कुछ सीख करके आएं और उसको सीखने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बच्चा उनको खुशी खुशी से करने की कोशिश करता है। हाँ, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। हमारे केंद्रीय विद्यालय में हमने अपने विद्यालय के अंदर ही वर्कशॉप करी है, निपुण भारत पे वर्कशॉप करी, विद्या प्रवेश के ऊपर वर्कशॉप करी गई हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे वर्कशॉप की गई हैं, टॉय बेस्ड पैडागॉजी के ऊपर वर्कशॉप की गई हैं, स्किल बेस्ड स्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लास 8 से हमने इम्प्लीमेंट किया है और हमारे जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारा उसके लिए सिलेबस बना हुआ है, उसी हिसाब से बच्चों को वो गाइड करते हैं। और 9th और 10th क्लास के अंदर बच्चा CBSE एग्जाम भी ले रहा है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।